हेलो हाय, कैसे हो आप लोग दोस्तों। मेरी पुरानी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 90% जो स्पेयर पार्ट का मार्केट है वो डुप्लीकेट है। आपको ओरिजिनल के नाम पर ठगा जाता है। अगर आप मार्केट में जाके अपने डिवाइस को, अपने कंप्यूटर को, अपने मोबाइल फ़ोन को ठीक करवाते हो तो 90% चांसेस होते हैं कि आपको डुप्लीकेट पार्ट मिले। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखी है, आपको लिंक उसका आई बटन में यहाँ मिल जाएगा, नहीं तो आप नीचे चेक कर लें। आज दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो चिप्स का मार्केट है, आईसी, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, इनका जो मार्केट है ये कैसे डुप्लीकेट है। दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग इन कंपनीज के लिए काम कर रहे होंगे, इनके लिए कंपोनेंट्स को असेंबल करके डिवाइस को मैन्युफैक्चर करोगे, बट आप लोगों को खुद ही नहीं पता होगा कि जो कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो 100% ओरिजिनल नहीं है। मैं दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा हूँ आईसीज़ की, इंटीग्रेटेड चिप्स की। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर मैं मीडियाटेक की आईसी लगा रहा हूँ या फिर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन चिपसेट लगा रहा हूँ तो यहाँ पर कैसे डुप्लीकेसी हो सकती है, क्यों? क्योंकि कोई और कंपनी इस लेवल तक प्रोसेसर या फिर चिपसेट तो बना नहीं सकती। मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि जो चिप है ये बनती कैसी है, हालांकि मैं पूरे प्रोसेस पर नहीं जा रहा हूँ। बस आप इतना समझ लीजिए कि जिस डाई से, जिस सिलिकॉन वेफर से इन चिप्स को बनाया जाता है, उनमें एक नहीं लाखों इस टाइप की चिप्स बनती हैं। बाद में इसको डाइस अप करके इंडिविजुअल चिप्स को निकाला जाता है। तो बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी इन डेपोजिशन, इन फैब्रिकेशन स्टेप, तो जो चिप बिल्कुल सेंटर पर होती हैं वो काफ़ी एफिशिएंट होती हैं, काफ़ी पावरफुल होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो साइड में फैब्रिकेट होती हैं। फाइनल जब टेस्टिंग होती है, क्वालकॉम, मीडियाटेक, सैमसंग, हाई सिलिकन, जब ये इन चिपसेट को टेस्ट करता है तो वो अपने सामने डिब्बे रख लेता है, ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी डी एफ। ग्रेडिंग्स याद होगी कॉलेज सेमेस्टर्स में, उसी टाइप से यहाँ पर ग्रेडिंग होती है। यहाँ पर जो सबसे अच्छी परफॉर्म कर रही है चिप, उसको ए प्लस ग्रेड दिया जाता है, उसको ए प्लस वाले डिब्बे में बिन कर दिया जाता है। ऐसे ए बी प्लस बी इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब एक जो लो लेवल की कंपनी है, जो जिसका मार्केट सिर्फ इंडिया में ही है, जैसे कि लावा हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, तो इनके पास दोस्तों इतना पैसा नहीं होता है कि वो बी प्लस या फिर ए या फिर ए प्लस में से चिप्स को मंगवाए, चिपसेट को मंगवाए। तो वो दोस्तों क्या करता है, क्योंकि उनको सिर्फ इंडिया में बेचना है और इंडिया में दोस्तों मैक्सिमम जो उनके कंज्यूमर्स हैं वो कोई कोई हार्ड कोर गेमर तो है नहीं, तो इन दैट केस वो जो छोटे बिनिंग वाली चिपसेट है उनको मंगा लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों नाम में कोई फ़र्क नहीं होता, बस परफॉर्मेंस में यहाँ पर फ़र्क मिल जाता है। मैन्युफैक्चरर को वो चिपसेट सस्ते में मिल गया, नाम वही है बट परफॉर्मेंस में वो कमज़ोर है। तो यही दोस्तों यहाँ पर कारण होता है, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन इन द फंड। क्यों? क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ोन इंडिया में बिकता है, मेरे पास इतना कोई बड़ा मार्केट नहीं है, तो मैं यहाँ पर लाख दो लाख चिपसेट मंगा के क्या करूँगा। मेरी रिक्वायरमेंट 10,000 की है तो मैं 10,000 ही मंगवाता हूँ। 10,000 के लिए अब जब मुझे बी से काम चल जा रहा है, सस्ती पड़ रही है, तो डेफिनेटली मैं फिर बी की साइड को जाऊँगा। जैसे कि अभी किसान धरने पे बैठे हुए हैं, उनको पता है कि अगर मैं गेहूं को बोता हूँ या फिर धान को बोता हूँ तो वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है, तो क्यों मुझसे यहाँ पर सब्जियाँ या फिर मुझसे क्यों कहा जा रहा है कि तिलहन या फिर दलहन को उगाया जाए, जिसमें दोस्तों ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, ज़्यादा कंजप्शन, ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनीज भी अपना फ़ायदा देखती हैं। अगर यही कंपनी शाओमी, सैमसंग या फिर एप्पल जैसी बड़ी कंपनी होती, जिनके कंज्यूमर्स बड़े लेवल पर हैं, मतलब कि इंडिया से बाहर भी हैं, तो इन दैट केस उसको जब ऑर्डर करना है तो वो करोड़ों के संख्या में ऑर्डर करेगा, तो इन दैट केस पर पीस होलसेल में जब वो मंगवाएगा फ्रॉम क्वालकॉम, तो उसको दोस्तों काफ़ी कम कीमत में, इवन दोस्तों जो लावा खरीद रहा है या फिर जो इंडियन कंपनी खरीद रही है बी ग्रेड के चिप्स की, उसको उससे भी कम कीमत में वो बी प्लस ग्रेड के चिपसेट मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर डिमांड पर, हाउ मच नंबर ऑफ चिपसेट, हाउ मच नंबर ऑफ चिप्स यू आर ऑर्डरिंग, इन सब पर डिपेंड करता है कि उसकी एग्जैक्ट या फिर उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। तो दोस्तों यही कारण है कि जो इंडियन कंपनीज है वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनका जो ऑर्डर रहता है फ्रॉम क्वालकॉम, फ्रॉम मीडियाटेक, वो दोस्तों उतना बड़ा नहीं रहता है,
और इसी वजह से उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू Xiaomi, Samsung, Apple, Lenovo, अलाना फलाना इन सब से। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही कंपनी है जिसकी अलग अलग बिनिंग की, अलग अलग ग्रेडिंग की चिप्स होती हैं, और यहाँ पर जो अच्छी चिप्स होती हैं उसको एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनी ले जाती हैं, उसके बाद जो Xiaomi या फिर ये Lenovo Lenovo लेती है वो बी प्लस मतलब कि नॉर्मल परफॉर्मेंस वाली चिप होती हैं, और उसके बाद इंडियन कंपनीज जो हैं लोकल कंपनीज हैं वो आपकी बी या फिर सी प्लस वाली चिप्स को उठाती हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होती नहीं है। और बाकी दोस्तों जो नीचे की चिप्स सेट हैं डी एंड एफ वाली वो दोस्तों लोकल मार्केट में चले जाती हैं, स्पेयर पार्ट मार्केट में चले जाती हैं, क्योंकि दोस्तों जब एक सेमीकंडक्टर कंपनी 14 इंच की सिलिकॉन वेफर पर या फिर 6 इंच की सिलिकॉन वेफर पर काम करती है तो ऐसी हजारों लाखों चिप्स बनती हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी पुअर होती है, और चूँकि कंपनीज इनको उठाती नहीं तो ये स्पेयर मार्केट में चले जाती हैं। और फिर क्या होता है जब आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी डिवाइस, आपका गैजेट ख़राब होता है तो उनमें ये रिप्लेस कर दी जाती हैं। नो डाउट काम करती हैं बट देयर इज नो गारंटी, नो रिलायबिलिटी, कभी ख़राब हो जाएं, चलने में ये सालों साल भी चल सकती है, नहीं तो एक दो दिन में भी ख़राब हो सकती हैं। मैं इसको डुप्लीकेट कहूँगा, इसलिए कहूँगा क्योंकि दोस्तों है तो ये ओरिजिनल कंपनी की तरफ से आई हुई है, बट परफॉर्मेंस में, क्वालिटी में, रिलायबिलिटी में ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि दोस्तों उनकी ए प्लस या फिर बी प्लस या फिर बी चिपसेट होती हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चिपसेट का मार्केट है ये भी डुप्लीकेट से भरा हुआ है, जो ICs, जो पावर मैनेजमेंट ICs या फिर जो पार्ट, जो ओपैम, जो भी आप यहाँ पर ICs, चिपसेट, कंपोनेंट्स यहाँ पर रिप्लेस करवाते हो या फिर रिप्लेस होते हैं आपके डिवाइस के अंदर, वो नॉन जेन्युइन ही होते हैं। हो सकता है कि कंपनी के ही वो बने हों बट उनकी परफॉर्मेंस, उनकी रिलायबिलिटी, उनकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि दोस्तों जो रियल में कंपनी डिवाइस मैन्युफैक्चरर को देती है। तो दोस्तों ये है कुछ कहानी, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर आपका कभी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो इस वीडियो को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है घंटे वाले निशान उसको ऑल करके बजा देना, दबा देना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना पाए। नमस्कार, बाय बाय।